हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेविल स्पिरिट में। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं फिर से उस लोकेशन पे जिसकी हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। कुछ दिन पहले मैं यहां पे शूट करके गया था। ये लोकेशन है डेविल बेबी, मतलब भूतिया बच्चा, शैतान बच्चा, ये तीन नाम से जानी जाती है लोकेशन। और यहां की जो स्टोरी है वो ये है कि यहां पे एक बच्चा था इस गांव में। आपको पीछे गांव दिख रहा होगा, मैं दिखा भी देता हूं। वो पीछे लाइटें चमक रही हैं, वो थोड़ा दूर यहां से एक गांव है और ये एक खाली जगह है जिसको कब्रिस्तान भी बोलते हैं पहले। तो वहाँ पे एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ था जो कि नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था। एक तो सबसे बड़ी बात है ये है कि वो अमावस की रात पैदा हुआ था, इसलिए गांव वालों ने एक बहुत बड़ी बात बना दी थी कि ये अमावस वाले दिन पैदा हुआ है। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ उसका जो रंग रूप था वो नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था, वो बिल्कुल शैतान लग रहा था, भूत जैसा बच्चा था। उसके बड़े बड़े दांत थे और उसकी हरकतें भी कुछ बच्चों जैसी नहीं थी। वो था एक जैसे उसने जन्म लिया, जन्म लेते ही उठ के भागने लग गया था। कोई बच्चा देखा नहीं होगा आपने जो जन्म लेते उठ के भागने लग जाता होगा या फिर किसी के ऊपर अटैक कर देता हो। तो जब वो बच्चे ने जन्म लिया तो जब उनके घर वाले उसको अपने घर लेके आए तो उनके गांव में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगी थी, मतलब कुछ अनहोनी वगैरह होने लगी थी, अपशगुन होने लगे थे। जिसको देख के गांव वाले लोगों ने, जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने बोला कि ये बच्चा यहाँ नहीं रहेगा, इस बच्चे को कहीं दूर छोड़ के आओ। पहले तो बच्चे के घर वाले नहीं मान रहे थे क्योंकि माँ बाप कहाँ मानते ऐसी बात को। पर जब उनके घर में भी उन्होंने भी नोट किया कि जब से ये बच्चा हुआ तब से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को यहाँ आपके इस जगह पे, यहाँ पे एक मैं आपको दिखाऊंगा जगह। अब तो यहाँ पे बारिश वगैरह से झाड़ वगैरह उग गए हैं, यहाँ पे आके उस बच्चे को ज़िंदा दबा दिया था। और वो बच्चा इतना ख़तरनाक था कि जब उसको दबाया गया उसके बाद वो कब्र फाड़ के बाहर निकला था, ऐसा बताया जाता है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ उस लोकेशन पर, रात का मैं आपको एक बार टाइम भी दिखा देता हूँ कितने टाइम पर पहुँचा हूँ मैं। ये है, एक मिनट लाइट थोड़ी कम करता हूँ, पहुँच गया मैं 12:16। 12:16 में मैं लोकेशन पे हूँ। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ गूगल टाइम को, ये देख लो गूगल टाइम 12:16 का, ठीक है। 12:16 पे दोस्तों मैं लोकेशन पे आ गया हूँ। तो दोस्तों जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए। तो अब मैं ऐसे करता हूँ, वीडियो शुरू कर रहा हूँ। और जिन भाइयों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट जरूर देखना, ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे ओके करके पहला पार्ट देख सकते हो, तभी आपको स्टोरी समझ आएगी। तो और एक हमारा दोस्तों छोटा सा टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर। तो जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देना दबा के, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि ऐसी लोकेशन पे आना रात को 12 बजे बहुत बड़ी बात है। तो मैं बैक कैमरा ऑन करूँगा, दोस्तों जुड़े रहना वीडियो में, ठीक है। तो ये है वो लोकेशन, इसका मैं एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये लोकेशन स्टार्ट है। तो यहाँ पे उस बच्चे के कब्र कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी सीधा रात को ही पहुँचा हूँ यहाँ पे, पहले भी रात को ही आया था, दिन में तो नहीं आया था। बाकी यहाँ पे झाड़ वगैरह आपको दिख ही रहे होंगे कैसे उग चुके हैं। तो कब्र ढूंढना बहुत मुश्किल बात है, वैसे भी वो बच्चा कब्र फाड़ के बाहर आ गया था, मतलब कब्र होएगी पर ढूंढनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं एक बार आपको लोकेशन दिखा देता हूँ और मैं एक बार आपको बैक कैमरा पूरा घुमा के भी दिखा देता हूँ। और ये यहाँ पे कुछ जादू मंत्र वगैरह, ये जो जगह है इस चीज़ के लिए मशहूर है कि यहाँ पे जादू टोने वगैरह भी होते हैं। तो पहले तो मैं उस बच्चे को यहाँ पे बुलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर कोई भी है क्या वो मेरे सामने आ सकता है या मुझसे बात करना चाहता है। अभी मेरा कैमरा इधर ही था मेरा कैमरा, और मेरे को लगा जैसे यहाँ पे कोई शैडो पास हुई है, कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा वो। भाई आवाज़ एक आई है, मुझे नहीं पता वो रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, लाइट भी फुल कर दूँ मैं। ये एक अजीब सी आवाज़ थी, कौन है देखिए मेरे सामने। ओ भाई ओ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ मेरे पास से भाग के गई हो, पैरों की आवाज़ आई है बिल्कुल साफ साफ।
बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल साफ साफ बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, बच्चे के रोने की बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही है, बिल्कुल यार ये एक आवाज़ आई है, ये तो एक मोर की आवाज़ थी जो ओ भाई बिल्कुल यार कौन है यहाँ पे, ओए ओ भाई कहाँ गया, यहाँ पे कुछ चीज थी, यहाँ पे कुछ चीज थी, कौन है यार भाई रोने के बाद बिल्कुल पास से आ रही, यहाँ पे कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई अभी भाई बिल्कुल साफ, यहाँ पे मैं 2 मिनट खड़ा था यहाँ पे क्योंकि उस चीज़ को साफ साफ कैप्चर कर सकूँ, यहाँ पे कोई चीज़ आई है और यार भाई कौन है सामने आ जाओ, अगर है कोई है यहाँ पे मैं आपको ही देखने आया हूँ, तेरी ओ भाई ये मेरे कोई आसपास से कोई भाग के जा रहा है बार-बार, ये मेरे कोई आसपास से कोई भाग के जा रहा है बार-बार, सामने आइए मैं यहीं पे खड़ा हूँ आपको देखने के लिए आया हूँ, ओ भाई ओ यार यार ये बार बार बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, पर मेरे को एक बार तो दिखा है, एक बार तो दिखा है, ओए कौन है वहाँ पे, लाइट मैंने फुल कर रखी है पर लाइट थोड़ी सामने आ जाओ मेरे, आपको देखने आया हूँ मैं, एक बार तो वो चीज़ दिखी है साफ साफ दोस्तों, मैं जानबूझ के एक जगह पे खड़ा रहा क्योंकि वो चीज़ को साफ साफ कैप्चर कर सकूं, देखिए मैं यहाँ पे आपको देखने आया हूँ, ओ ओ ओ भाई ओ ओ ओ यार कहाँ गया तेरे यार, यहाँ पे कुछ चीज़ मेरे ऊपर चढ़ गई थी, यहाँ पे कुछ चीज़ मेरे ऊपर चढ़ी अभी मैंने कैमरा घुमाया था, सामने आ जाओ आपको देखने आया हूँ मैं, यहाँ पे कौन है यार, ये बार बार बिल्कुल पास से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही पर बच्चा दिख नहीं रहा है, ओ यार वो सामने बैठा हुआ है, सामने कोई बच्चा है, वो बिल्कुल सामने सामने बच्चा है, मैं आपको देखने आया हूँ रुक जाओ वहाँ पे, आपको देखने आया हूँ मैं, रुक जाओ यहाँ पे, कहाँ भाग रहा है कि ओ भाई कहाँ भाग रहा है भाई यार, ओ भाई बार 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 यार कुछ करता हूँ पहले मैं, ओ भाई ओ कौन है यहाँ पे, बार बार अटैक हो रहा है भाई, बार बार अटैक हो रहा है, यार मेरा कैमरा भी गिर गया यार, अभी मेरा ये फ़ोन इसमें से निकल के गिर गया था, बाकी लाइट वगैरह भी इसमें बार बार थोड़ी हो रही है, बंद हो रही है, अभी मेरे यहाँ पे खड़ा था मैं, 2 बार ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ मेरे ऊपर आई है, मेरे गले के पास 2 बार कोई चीज़ आई है, कौन है यहाँ पे आ जाओ सामने, यहीं पे खड़ा हूँ, अटैक मत करो मेरे पे, मुझ पे हमला मत करना, मैं आपको देखने आया हूँ, यार ये रोने की आवाज़ मुझे नहीं पता ये रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं, पर यहाँ पे एक रोने की आवाज़ बिल्कुल
इसको इधर को भी क्या जानवर कहूंगा राम तुम्हें ना मार कौन है ओ भाई। दोस्तों लोकेशन से मैं बाहर आ गया हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैं लोकेशन पे इस पे आया, ये बच्चे की लोकेशन पे, तो ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि पहले भी मैं आ चुका हूँ पर इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं हुई। उस चीज़ ने मेरे ऊपर अटैक भी किया था आज, और एक दो बार मैंने कैमरा घुमाया, पता नहीं वो चीज़ कैमरे में आई होगी या नहीं होगी, पर जो जब वो चीज़ सामने थी तब वो चीज़ मैंने साफ करके एक जगह पे खड़ के रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। जब वो वहाँ से गायब हो रही थी फिर मैं देखने जाता था कि वो चीज़ कहाँ जा रही है, पर एक दो बार मेरे पर अटैक हुआ है। लास्ट में जो हुआ मेरा गला दबा दिया था, पंजे वगैरह भी एक दो मेरे को लग रहा है, ये स्क्रैच वगैरह पता नहीं दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे, नाखूनों के निशान। तो दोस्तों मैं लोकेशन से बाहर आ गया हूँ, तो ऐसा करता हूँ मैं लोकेशन से बाहर आ गया हूँ, करता हूँ मैं वीडियो का एंड। मिलते हैं आपको अगली किसी हॉन्टेड लोकेशन पे, तब तक के लिए देखते रहते डेविल स्पिरिट। राम राम।